बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में स्टीव विथ मी में। और फिर से जी हाँ, फिर से वैकेंसी आ रखी नेहरू युवा केंद्र संगठन में, लेकिन इस बार की वैकेंसी थोड़ा अलग है। देखो, हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म कैसे भरना, कैसे आपकी पेमेंट रहने वाली, कैसी नौकरी आपकी, आपका जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना पड़ेगा एक्चुअल में आपको, कैसी भर्ती, सब कुछ देखेंगे। और ये वैकेंसी थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि पिछली वैकेंसी जो आई थी आज के करीब 3-4 महीने पहले, तो उसमें क्या था कि आपके डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, DYC, टाइपिंग क्लर्क, ठीक है, और जो है ना MTS स्टाफ की वैकेंसी थी। 3 पदों पर वैकेंसी थी, इसके एग्जाम वगैरह हो चुके हैं, रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन ये जो वैकेंसी, ये वॉलंटियर्स की भर्ती है, वॉलंटियर्स 12,000 वॉलंटियर्स की भर्ती है ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पर, मतलब एक बम्पर भर्ती है। और ये वॉलंटियर्स की, जैसे कि आपको लग रहा नाम से ही वॉलंटियर्स, जैसे स्वयं सेवक टाइप, तो इसमें पेमेंट ज़्यादा नहीं होगी। चलो हम शुरुआत से डिस्कस कर लेते हैं सारी की सारी चीज़ें, बने रहिए शुरुआत से अंत तक। और अगर आप प्रथम बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बना, आपका धर्म बनता है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, आपकी 12,000 भर्ती ये वॉलंटियर के बेसिस पे आपकी शुरुआत होने वाली है, ठीक है। कौन कौन से बच्चे, फ्रेश बैच ऑफ मेरिटोरियस यंग कैंडिडेट, जो जवान है, 18 से 29 साल इसकी उम्र सीमा है, इसके बीच के बच्चे जवान कहे गए, इन्होंने कहा है, तो आपकी इसमें भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी, तो आपको इसमें थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें। अगर सारी चीज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको क्या पीरियड, आपकी जो डिप्लॉयमेंट होगी फॉर फाइनेंशियल ईयर, आपकी शुरुआत में 1 साल की होगी और ये मैक्सिमम आपकी 2 साल तक जा सकती है। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आपकी फर्दर एक्सटेंड की जाएगी, वरना मैक्सिमम ये दिखा 2nd ईयर तक आपकी मैक्सिमम है, पहले 1 साल फिर ये 2 साल तक करी जा सकती है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये बाद में एक्सटेंड की जाती है, लेकिन अभी ये मैक्सिमम 2 साल तक के लिए आपकी भर्ती हो रही है। कितने साल तक, मैक्सिमम 2 साल तक के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई, थोड़ा सा और आगे देखेंगे। और ये ऑल ओवर इंडिया में भर्ती है, अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया की ये भर्ती है, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे हम इसमें जो आपकी ज़रूरत की, ये किस स्कीम के अंतर्गत भर्ती हो रही है, मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो भर्ती हो रही, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है। कौन सी स्कीम है, नेशनल यूथ कॉर्प्स, NYC, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत आपकी भर्ती हो रही है, नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंदर आप जो है ना काम करेंगे, ठीक है। ये स्कीम जो है ना इम्प्लीमेंट, जो स्कीम को लागू कर रहा है वो लागू कर रहा है नेहरू युवा केंद्र संगठन, तो इसलिए आपकी इसमें भर्ती वॉलंटियर्स की हो रही है, ठीक है। अब देखो, 18 से 29 साल के जो भी बच्चे इसमें अप्लाई भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, आपकी 2 साल की नौकरी रहेगी अभी, और 5,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। ऑनरियम, ये ऑनरियम मतलब कि सम्मान पूर्वक, क्योंकि आप वॉलंटियर ही काम कर रहे हो, मतलब कि आप स्वयं सेवक की तरह काम कर रहे हो, तो आपको जो है ना सम्मान के तौर पर 5,000 रुपये प्रति महीने की आपको दी जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम, आपका रोल क्या रहेगा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आपको, जो आप काम क्या करेंगे। आपका काम रहेगा कैटेगरी, मतलब कि आप उत्प्रेरक की तरह काम करेंगे, जो यूथ क्लब होते हैं, जैसे क्रिकेट क्लब हो गए, हॉकी क्लब हो गए, वॉलीबॉल क्लब हो गए, जो यूथ के लिए जितने भी क्लब होते हैं उन्हें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी होते हैं, आप उनके बीच में काम करेंगे, यूथ क्लब को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। उत्प्रेरक, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा उत्प्रेरक के बारे में, कैटलिक के बारे में, तो आप उनके बीच में एक तरह के कैटलिक की तरह काम करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाले। और आपको जो ना प्रिपेयर यूथ प्रोफाइल ऑफ हिज हर ब्लॉक, मतलब कि आपकी आपकी जो जिम्मेदारी रहेगी, एक ब्लॉक स्तर पर आपकी जिम्मेदारी रहेगी, और आपके ऊपर रहेंगे डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, जो पिछली वैकेंसी हुई थी, तो वो बच्चे आपके ऊपर रहेंगे, आपको उनसे समन्वय करके काम करना पड़ेगा। ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ चलने लग रहे हैं, पिछले वीडियो में गड़बड़ हो गया था, थोड़ा सा आवाज़ नहीं आई थी, तो दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रही, मेहनत काफ़ी ज़्यादा हो रही, लेकिन आपके लिए कुछ भी चलेगा। आगे देखते हैं, आपको नए यूथ क्लब हो सकता बनाने पड़ जाएं आपको, ठीक है, तो आपको उसमें योगदान देना पड़ेगा। आपको यूथ जो है ना, युवा है आज का, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके स्पोर्ट्समैन, उसका जो गुण है निखारने के लिए आपको हो सकता काम करना पड़े, ठीक है। आपको मैथिली जो आपके यूथ क्लब हैं उनके लिए जो प्रोग्राम्स होंगे कंडक्ट कराने के लिए, आपको मैनेजिंग वगैरह करनी पड़ेगी, आपको जो है ना ऑनलाइन रिपोर्ट्स तैयारी करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, ये आपका काम हो सकता है। आपको जो है ना मीटिंग जो होंगी आपकी नेहरू युवा केंद्र संगठन की, वो मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, 12,000 बच्चों की वैकेंसी है और 2 वॉलंटियर्स पर ब्लॉक इन 623 जो इसके केंद्र हैं, और ऑल ओवर इंडिया के जितने ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में 2 बच्चे इसमें जाएंगे, इस तरह टोटल वैकेंसी हो जाती है 12,000 की, ठीक है। तो 1 वॉलंटियर फॉर एवरी 2 वार्ड्स विल बी डिप्लॉयड इन दिल्ली,
इन तेलंगाना एंड दिस 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 डिप्लॉयड, मतलब कि फर्दर 3 रोल्स इन ऑल न्यू डिस्ट्रिक्ट विदाउट केन्स, मतलब ये इन्होंने स्कीम बताई कि कहाँ कितने बच्चे डिप्लॉयड होंगे, इनसे कोई हमें ज़्यादा मतलब नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। आपकी डिप्लॉयड पहले 1 साल की होगी, फिर जो है ना 2 साल की हो सकती है, थोड़ा सा और देखेंगे अब हम। और ये कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं, मतलब कि ये स्थायी नौकरी नहीं है आपकी, ठीक है। आपको 5,000 रुपये का जो है ना मिलेगा मेहनताना, ठीक है। तो थोड़ी सी और आगे देखेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कक्षा 10 पास आप होने चाहिए, ठीक है। आपकी उम्र सीमा 18 से 29 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी उम्र की गणना 1 अप्रैल 2018 से, ध्यान रखिएगा यहाँ 19 नहीं है, 1 अप्रैल 2018 से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 18 से 29 साल के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको जो है ना हायर क्वालिफिकेशन, आपका 12 पास है, आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपको कंप्यूटर वगैरह आता है तो आपको जो है ना प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपको स्मार्टफोन चलाने आते हैं, मोबाइल चलाने आते हैं, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, तो आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ये सब हैंडल करना जानते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और स्टूडेंट हुए इन्वॉल्व देमसेल्फ एज ए रेगुलर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिप्लॉयमेंट, कहने का मतलब ये हुआ कि वो बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि कक्षा मान लो वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सोचो कि वो ग्रेजुएशन रेगुलर से मोड से कर रहे हैं और वो प्राइवेट जाके ये अपना काम भी कर लें, तो ऐसे बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं, एजुकेशन अपनी कर रहे हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो थोड़ा सा और देखेंगे, एक चीज़ और बताऊँ मैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वीकर सेक्शन सच है एस सी एस टी कम्युनिटी विल बी इंकरेज्ड एंड 50-50 जेंडर रेशियो शुड बी मेंटेन, मतलब कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा चांस देने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि 12,000 में ये लोग कोशिश करें कि 6,000 महिलाओं की भर्ती हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप महिला हैं तो इसमें अगर आप करियर बनाना चाहती, करियर का आपको पार्ट टाइम टाइप की जॉब रहने वाली, क्योंकि 5,000 रुपये में आजकल किसी की रोटी कपड़ा मकान का सारा इंतजाम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह के ये पार्ट टाइम टाइप का काम आपका हो सकता है, जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, प्राइवेट कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और आप डिस्टेंस लर्निंग से अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए इन चीजों में, तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखेंगे, इसमें 2 तरह से फॉर्म भरे जाने हैं, एक तो जो है ना आपका जैसे ऑनलाइन फॉर्म और दूसरे ऑफलाइन फॉर्म, दोनों तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म भर दो, ऑनलाइन फॉर्म इसलिए ज़्यादा बढ़िया होता है क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म तुमने यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक किया, तुम्हें रिसिप्ट मिलेगी कि हाँ भैया फॉर्म मेरा चला गया, उनके पास भी कोई चारा नहीं, रिफ्यूज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते भैया फॉर्म नहीं आया। ऑफलाइन में बीच में घबला हो सकता है, पोस्ट में इधर उधर हो जाए, फॉर्म नहीं पहुंचा, ये वो नहीं पहुंचा, और ऑनलाइन भरिए, सेफ रहते हैं आप, ठीक है। अब देखो, जो सिलेक्शन कमेटी होने वाली है, ये लोग हो सकता है आपका जो है ना एक इंटरव्यू टाइप का कंडक्ट कराएं, और हो सकता है नहीं भी कराएं, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया। अगर इंटरव्यू होगा तो कक्षा 10 के बच्चे के लिए क्या चीज़ पूछ सकते हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। कुछ खास इसमें इंटरव्यू अगर है तो कुछ खास नहीं होने वाला, एकदम सिंपल होने वाला, क्योंकि बहुत कम लोग हो सकता है इसके लिए अप्लाई करें। तो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी रहने वाली इंटरव्यू वगैरह में, वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आपके DM रहेंगे, ठीक है, और 2 पर्सन इन द फील्ड ऑफ सोशल एजुकेशन से 2 लोग रहेंगे आपकी कमेटी में, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर रहेंगे वो आपकी एक कमेटी, ये 3 लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनेगी, ठीक है। यही कमेटी डिसाइड करेगी किसे सिलेक्शन में लेना है और किसको नहीं लेना है, ठीक है। हम थोड़ा सा और देखेंगे, ये आगे बढ़ाते हैं, हम देख लेते हैं आपके जो एडवर्टाइजमेंट है कब से शुरू हो जाएंगे, 16 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट आपके रहेंगे 3 मार्च 2019, तो ज़्यादा दिन फॉर्म नहीं चलेंगे, मतलब कि आपके फॉर्म जो है ना शुरू हो चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, और 3 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे, तो डिले मत कीजिए, आप जल्दी से अपने फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो ये बात रही इसकी, आपके जो रिजल्ट हैं, मीटिंग ऑफ सिलेक्शन कमेटी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ DM कंसर्न, मतलब जब ये लोग खाली होंगे तब इनकी मीटिंग हो पाएगी और तभी आपके जो है ना रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है। तो मोस्टली ये चीज़ 5 मार्च से 11 मार्च के बीच में ये लोग कंडक्ट करा लें, आपका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च तक आ जाएगा, मतलब 3 इसकी अंतिम डेट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है ना आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ कंडक्ट नहीं कराने वाले हैं, मोस्टली ये चांसेस हैं इंटरव्यू वगैरह नहीं कंडक्ट कराएंगे। तो आपके ने उनका मीटिंग ऑफ सिलेक्शन कमेटी डिपेंडिंग ऑफ द, तो मतलब सिलेक्शन कमेटी अपनी खुद में मीटिंग करके ये लोग निकाल देंगे, ठीक है, वो लोग अपना डिसाइड कर लें ये बच्चे सेलेक्ट हैं, तो आपका इसमें इंटरव्यू भी ये लोग मोस्ट प्रोबेबली नहीं कराएंगे, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च तक का आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और आपकी ज्वाइनिंग जो है ना 18 मार्च से
इसी मार्च 18 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी जो कुछ दिन की ट्रेनिंग चलेगी 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 15 दिन की, फिर इसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो है ना कुछ दिन की ट्रेनिंग ये लोग कराएंगे आपकी 1 हफ्ते के, मैंने ऊपर आज जैसे आपको बताई। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में अगर आप आते हैं तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट भी आपकी कन्फर्म हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है सिलेक्शन के बाद छोड़ दें। ठीक है, तो आपकी वेटिंग लिस्ट भी हो सकती है। और अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है ना www.nyks.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। किस पर जाकर? www.nyks.nic.in पर जाकर आप अपने फॉर्म भर साएंगे। ठीक है, देखो एक तो ऑनलाइन से भर सकते हो और दूसरा ऑफलाइन भी भर सकते हो। मैंने आपको बताया ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। ऑफलाइन अगर आप भरना चाहते हो तो ऑफलाइन कैसे भरें वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। और इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं लग रही है, अभी तक कोई फॉर्म फीस नहीं आई, तो आपकी कोई फॉर्म फीस इसमें नहीं लग रही है। तो आगे थोड़ा सा और देखेंगे हम, तो थोड़ा सा और चलते हैं। सिलेक्शन कमेटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक, ये लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे। आप थोड़ा सा और देखेंगे, ये आपका जिसे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक जो है ना बैंक खाता जरूरी होगा, तो ये बात हो गई, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 15 दिन की आपकी जो है इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, फिर 7 डेज का रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, तो टोटल 15 दिन की पहले ट्रेनिंग होगी, फिर 7 दिन की आपकी और ट्रेनिंग होगी। तो इस तरह आपकी 2 ट्रेनिंग टाइप हो जाएंगी। इन ट्रेनिंग के बाद में आपको जो है ना जहाँ आपको डिप्लॉय करना है वहाँ पर आपकी जो है ना जहाँ पर आपकी नौकरी जहाँ ब्लॉक आपको दिया जाएगा वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। ये देखिए आपका नेशनल यूथ कॉर्प्स के लिए आपका जो है ना फॉर्म है, इस तरह कुछ फॉर्म भरना है। ये ऑफलाइन का फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपना आधार नंबर भर दीजिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। आप लोग बड़े समझदार हैं, इसमें कुछ खास भरने की चीज़ें नहीं हैं, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, और बस यहाँ पर अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट और साइन वगैरह कर दीजिएगा, तो इस तरह जो है ना आपकी बात हो गई। तो मैंने आपको ये सब बता ही चुका हूँ, आपको पैसे कितने मिलेंगे, ये ऑनलाइन फॉर्म की डेट है, तो मोस्टली चीज़ें अब कवर हो चुकी हैं, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में, किसी अन्य वैकेंसी के साथ में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दो, और हाँ अगर आपको किसी चीज़ का सिलेबस चाहिए किसी वैकेंसी की, तो आप कहाँ जाएंगे? sarkari-syllabus.com, ये एकदम ये इसी चैनल की वेबसाइट है आपको, और इस चैनल की वेबसाइट पर आपको सिलेबस एकदम अच्छे ढंग से लिखा हुआ एक ही बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपने अगर इस वेबसाइट को खोल के नहीं देखा तो आज और अभी इस वेबसाइट को खोल के देखिए, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में नीचे दे दूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वैकेंसियों के सिलेबस रिलेटेड कोई आपको दिक्कत ना हो रही हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले, तब तक के लिए वंदे मातरम।